सबसे पहले आप ये वाली क्लिप्स देखो, इनमें कॉमन चीज नोट करने की कोशिश करो। मुझे पता आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो आपके करेक्टर की बॉडी होती है ना, और जो आपका क्रोशियर होता है वो ज्यादातर है ना मतलब राइट साइड होता है, और जो आपकी बॉडी होती है वो लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कंक्लूजन मतलब आप लोगों ने सोचा भाई इसमें मतलब इतना खास क्या है, ठीक है। बट यही तो है जो सबको पता है बट आपको नहीं पता। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया था कि आपको करना कुछ नहीं होता, सीधा मतलब गोली मार के ना कवर में आना होता है, मतलब अचानक से गोली मारते मारते कवर में आ गया, ठीक है। मतलब अपनी जॉयस्टिक को कवर की तरफ स्लाइड करना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे भाई मतलब स्लाइड कौन सी तरफ करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बोला था कि आप लेफ्टी हो फिर राइटी हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, तो कुछ ही बंदों ने बताया, ज्यादा बंदों ने इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यही गलती कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और लेकिन मेरे को यही चीज देखने को मिली जिन बंदों ने गिने चुने बंदों ने कमेंट किया कि भाई वो सब है ना लेफ्टी है, ठीक है। और लेफ्टी होने का जो रीजन है वो मैंने आपको बताया है कि अगर आप लेफ्टी हो ना तो आपके कवर में रहकर मतलब बंदे को क्रोशियर से मारने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि भाई लेफ्ट साइड में नहीं मतलब राइट साइड में जब भी आप पिक करते हो तो आप पिक्सल पिक देकर सही से बंदे से फाइट ले सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का निचोड़ निकालने वाला हूं, और बहुत सारी ऐसी हिडन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब आपको मैं मेजर बताऊं तो भाई चार ये वाले पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। देखो भाई सबसे पहला पॉइंट, अभी आपको लेफ्टी होना है फिर राइटी होना, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं है भाई, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकता है, आपको लेफ्ट में या राइट में कहीं पे फाइट लेना पड़ सकता है, आपको किसी भी साइड है ना वीक में नहीं जाना, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप लेफ्टी हो सकते हो राइटी हो सकते हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता भाई तुम फुल गेम में मतलब अगर आपको कोई पूछे भाई तू कैसे खेल रहा है मैं तो लेफ्टी हूं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते भाई तुम लोग, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन होती है भाई लेफ्ट की भी होती है राइट की भी होती है, लेकिन अगर आपके पास है कि भाई आप लेफ्टी से फाइट ले सकते हो, जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया मतलब राइटी हो गया मैं, बट मैं लेफ्टी में है ना बहुत तगड़ा खेलता हूं। एंड उसका रीजन ये है कि भाई लेफ्टी में होता कुछ नहीं है, जो क्रोशियर है ना वो बाहर रहता है, आपका करेक्टर कवर के अंदर रहता है, और आपके लिए वो चीज है ना और भी ज्यादा इजी बन जाती है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे भाई ये कैसे हो सकता है, तो देखो भाई सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने बंदे को दो बार बाहर निकल के बिल्कुल एक एक सेकंड के लिए क्रोशियर से डैमेज दिया, उसके बाद मैं जंप करके राइटी हो गया, मतलब लेफ्टी नहीं हाँ राइटी हो गया, ठीक है। मतलब यही चीजें हैं जो आपको बहुत तगड़ा बनाती है। एंड यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा, मतलब आपको ये नहीं है कि भाई आप मतलब ऐसे बता नहीं सकते कि भाई मैं लेफ्टी हूँ राइटी हूँ, बट आपको मतलब सिचुएशन क्रिएट भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब जानबूझ के उस साइड जा रहे हो, जैसे कि आपका राइट साइड वीक है तो आपको राइट साइड में खेलना ही नहीं है ना, आप जाओ ही अपना लेफ्ट साइड में, बंदे को मतलब पुश वहीं पे करो कि भाई वो राइट साइड में आ जाए, मतलब जिस साइड आपका बेस्ट है उस साइड बंदे को लेके जाओ, ठीक है। तो लेफ्टी होने के फायदे हैं जितना कि आपको राइट के होने में फायदे नहीं, क्योंकि राइट में क्या होता है आपका मतलब क्रोशियर नहीं आपकी बॉडी ज्यादा दिखती, ठीक है, और लेफ्टी में आपका क्रोशियर ज्यादा दिखता है आपको और आपकी जो बॉडी है वो कवर के अंदर रहती है। तो आपको लेफ्टी हो जाना है, एंड लेफ्टी के लिए जो प्रैक्टिस है वो कुछ नहीं है, आपको कवर में रहकर फाइट लेना है लेफ्ट की साइड, ठीक है, और क्रोशियर को थोड़ा सा बाहर निकाल के मारने की कोशिश करना है। एंड अब की बार बिल्कुल भी गलती मत करना, मेरे को जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप लेफ्टी थे या फिर राइटी थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी लेफ्टी होने वाले हैं, बट मेरे को जरूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि पहले आप लोगों ने नहीं बताया बट अब तो बता सकते हो। एंड अपना जो दूसरा पॉइंट है वो सेंसिटिविटी है, मैं आपको सेंसिटिविटी दिखाने नहीं वाला, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, एंड कंट्रोल कोड एंड सेंसिटिविटी पे इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किए थे, एंड वो दोबारा से मैं अपडेट भी करने वाला हूं, तो आप लोग चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, एंड फॉलो भी कर लेना, ठीक है। एंड भाई सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग ये था कि बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई तूने बिक्सी ओपी का ना सेंसिटिविटी कॉपी किया, ठीक है। देखो मैं इस चीज से ना फुल एग्री करता हूं कि मैंने कॉपी किया है, बट अपनी वीडियोस में मैंने कॉपी पेस्ट के रूल बताए हैं, तो उन्हीं रूल्स के मद्देनजर रखते हुए मैंने वो सेंसी कॉपी की थी, ठीक है। देखो एक तो सेंसी बनाई जाती है, एक कॉपी की जाती है अपने फ्रेंड की, किसी भी यूट्यूबर की कॉपी कर सकते हो, तो मेरे को लगा भाई बिक्सी ओपी तगड़ा खेल रहा है, मैं ये नहीं मैं बोल रहा कि मैं भी तगड़ा खेलने लग जाऊंगा उनकी सेंसी लेके, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो किसी की भी सेंसी कॉपी करते हो तो उसको मास्टर करना पड़ता है, तो आप खुद बना लो, ठीक है, बनाने के बाद उसको मास्टर कर लो, या फिर आप किसी की कॉपी कर लो एंड उसको मास्टर कर लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो इफेक्ट डालती है, अगर सामने वाले बंदे के पास मतलब आईफोन 15 प्रो है और आपके पास भाई कोई भी 3GB रैम वाला डिवाइस है तो वो सेंसी उसमें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरे को पता था, मैंने आईफोन 15 प्लस लिया था अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, तो मैंने सिंपल है ना भाई बिक्सी ओपी की सेंसिटिविटी कॉपी कर ली, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद मेरे को पता था भाई आईफोन उनके पास भी है मेरे पास भी है, तो सिंपल भाई कॉपी करने के बाद मेरे को ज्यादा नहीं भाई एक महीना लगा होगा, मतलब मैं एक महीने से खेल रहा था उस सेंसी पे, एंड मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके भाई मास्टर कर लिया, एंड आज मैं उस सेंसी पे इतना तगड़ा खेलता हूं भाई, क्या हेडशॉट लगते हैं, टिंग टिंग बजता सिर्फ, ठीक है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग भी कॉपी कर लो, बट आपके पास भी अगर आईफोन है कोई भी आईफोन है तो वो वाला सेंसी उसमें चल जाएगा, या फिर आपके पास कोई 8GB रैम 12GB रैम वाला डिवाइस है मतलब एंड्रॉइड डिवाइस है तो भी उसमें चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मास्टर तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी चीज कॉपी करो उसको मास्टर करना पड़ेगा। एंड भाई कॉपी करके जो मैंने अपने स्मार्ट वर्क से कॉपी किया एंड मास्टर किया, एंड भाई इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है भाई कि कॉपी करके मास्टर करना चाहिए या फिर उसको बार बार चेंज करके अपना जो पूरा गेम प्ले है उसको खराब करना चाहिए। मैं कभी चेंज नहीं करता, ठीक है।
अभी जो अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कॉन्फिडेंस, जो कि टी1 प्लेयर्स के अंदर ना कूट कूट कर भरा होता है, मतलब कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आपकी स्किल्स को, आपकी सेंसिटिविटी को, आपके डिवाइस को एक साइड रख दिया जाए और भाई साइड में अगर कॉन्फिडेंस बैठा हो ना चेयर पे, तो भाई जो आपकी सेंसिटिविटी है, कंट्रोल्स है या फिर आपका डिवाइस है, जो भी है, इनका जो गेम में रोल रह जाता है ना वो 20% ही है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आपका 80% गेम प्लान कॉन्फिडेंस से ही चलता है, ठीक है, वरना आप 1v1 भी नहीं ले पाओगे। यही टी1 प्लेयर्स के अंदर एक तगड़ी खूबी रहती है भाई। मेरे को आप लोग विश्वास नहीं करोगे बट मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए टोटल खेलते हुए और मैंने एक कॉमन चीज है ना ये बहुत ज्यादा नोट की, ठीक है। एंड भाई लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है ना, तो भाई हमेशा अग्रेसिव खेलो, किसी भी बंदे से डरो मत। अगर आपके अंदर कोई आपके ऊपर कोई स्कोर पुश कर रही है, अगर आपने पहले ही ये सोच लिया ना भाई नहीं मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं भाग लेता हूं, या फिर कुछ भी ऐसा होगा भाई गया मैं, तो ठीक है। ऐसा अगर आपने मतलब पहली चीज ऐसी सोची ना कि आप नहीं कर सकते, तो भाई आप लाइफ में भी अप्लाई कर लो ना इस चीज को, तब भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आपको कुछ करना है तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि भाई मैं ये कर लूंगा, ठीक है, ये तो मेरे लिए इजी है, ठीक है, ऐसा हमेशा रखो। एंड अभी मैं आपको ना गेम सेंस के बारे में थोड़ा सा ये वाला गेम प्ले दिखाता हूं, ये वाले गेम प्ले को एंड तक देखना, और बिल्कुल हैंडकैम का गेम प्ले है। वैसे तो मैं इसको कोने में चिपका दूंगा, ऊपर फुल स्क्रीन चलेगा, आपको सही से दिखेगा। एंड हैंडकैम भी आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो नीचे की तरफ। एंड बिल्कुल 1v4 क्लचेस मैंने ऐड किए कट कर करके एवरी मैच के, बिल्कुल इंटेंस है कहां पे मैंने कौन सा सिचुएशन में कौन सा मतलब समझ सकते हो ना डिसीजन लिया, वो सब मैटर करता है। तो बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। एंड अभी देखो भाई बिल्कुल इंटेंस है।